हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल मेडिकम एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। आज ये मेरे पास है 81 2 mg टैबलेट। आज मैं आपको इस वीडियो में इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इससे होने वाले क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसका MRP क्या है, आप इस टैबलेट को किस तरीके से परचेज कर सकते हैं और आपको इस टैबलेट को किस तरीके से लेना है जिससे आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिल सकें। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी ऐसी ही नई वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, ये जो टैबलेट है एक नारकोटिक टैबलेट है और डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली टैबलेट है। सबसे पहले बात करें इसके प्राइस की, यह 30 टैबलेट की एक स्ट्रिप आती है जिसका प्राइस होता है 80 रुपये। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नारकोटिक टैबलेट है। नारकोटिक मतलब बेहोशी की दवा और डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवा है, इसी वजह से ये आपको बढ़े हुए रेटों पर मिलती है। यदि आप इस टैबलेट को परचेज करते हैं तो ये आपको 10 रुपये पर टैबलेट के हिसाब से मिल जाती है। बात करें इस टैबलेट के साल्ट की, इस टैबलेट के अंदर जो साल्ट है वो है लोरिजा पाम। अब बात करें इससे होने वाले क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, ये जो टैबलेट है हमारे माइंड और पूरी बॉडी की नर्व्स को रिलैक्स करके, जो हमें अननेसेसरी एंजाइटी होती है उसे दूर करके, हमें 6 से 8 घंटे की नींद लाने में हमारी हेल्प करती है। ये तो हुए इससे होने वाले फ़ायदे। अब बात करें इसे लेने के बाद में हमें क्या क्या नुकसान दिखाई दे सकते हैं। हमें चक्कर आना, सिर दर्द, कब्ज, भूख में बदलाव, उल्टी, आँखों से धुंधला दिखाई देना, ये सभी आपको साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। अब बात करें इस टैबलेट को लेने के तरीके की, इस टैबलेट को हमें किस तरीके से लेना है। जो एडल्ट हैं उन्हें पूरी एक टैबलेट को पीस कर चाय में डालकर ले लेना है। इस तरीके से यदि आप इस टैबलेट को लेते हो तो इस टैबलेट के आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस टैबलेट के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।